बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि आप जामी खैरियत से। आप देख रहे हैं शाहिद इकबाल यूट्यूब चैनल में, वापस मेज़बान मोहम्मद शाहिद इकबाल अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, इस वक्त यूनाइटेड किंगडम में यानी यूके में काफ़ी सारे लोग एमनेस्टी यानी लीगल डॉक्यूमेंट्स का इंतज़ार कर रहे हैं। कोई 10 साल से है तो कोई 20 साल से है, कोई 18 साल से है, कोई 21 साल से है। और इस बार उन्हें ये लग रहा है कि कुछ चांस हैं, शायद हमें ये पेपर्स मिल जाए और हम लीगल होके आज़ादाना तौर पर काम कर सकें। अगर बात की जाए प्रीति पटेल होम सेक्रेटरी की, तो उसकी तरफ से दिन ब दिन बयान आता है। अभी तो उसे उस पर तनकीद का निशाना भी पार्लियामेंट की तरफ से किया गया है कि आप जो रूल रेगुलेशन बनाती हैं उसमें कुछ नरमियाँ पैदा किया करें, बजाय इसकी कि आप मज़ीद सख्तियाँ पैदा कर देती हैं। लेकिन इमिग्रेशन की तरफ देखा जाए तो वो भी उसकी तरफ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता उसको। हालांकि अपने फैसले करने चाहिए, अपने मुतलबात जो है देने चाहिए, लेकिन वो भी दरमियान से निकल जाती है इमिग्रेशन वाले जो ऑफिसर्स हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वक्त काफ़ी सारे लोग अप्लीकेशन दायर कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक अप्लीकेशन नहीं दायर की तो सामने महमूदी ट्रैवल .com की वेबसाइट आपको नज़र आ रही है, यहाँ से आप लिंक को ज्वाइन करें। आगे मैं वेबसाइट पे भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करने वाला हूँ, आपको समझाऊँगा कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं और अब तक हमारी वीडियो के रिस्पॉन्स के बावजूद अब तक कितने लोगों ने इसे अप्लाई किया और कितने लोग फ़ायदा उठा चुके हैं, तो वो भी इंशाल्लाह आपके बताने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आ रहे हैं तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुँच सकें। कल हमने कुछ आपसे ये डिस्कस की कि आमिर मंजूर साहब हैं, उनसे जब बातचीत हुई तो उनकी तरफ से ये था कि जो क्लाइंट्स हैं वो होम ऑफिस से राबता करने से गुरेजा हैं, क्योंकि अगर वो होम ऑफिस से राबता करने की कोशिश करते हैं तो उससे ये होता है कि वो डरते हैं कि क्या हमें वो पकड़ ना लें। देखें यार, उनको पता है कि आप अनलीगल हैं। वो अगर इस बात पर आ जाते हैं कि तो उनको पता है ना आप अनलीगल हैं, जब पार्लियामेंट में बातें हो रही हैं आपके बारे में तो उन्हें भाई पता है कि आप अनलीगल हैं, आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। अब वो इस बात पर हैं कि वैक्सीन तो हर हाल में लगानी है और आप अनलीगल इमिग्रेंट से एहतजाज कर रहे हैं वैक्सीन नहीं लगवा रहे। इसके अलावा हमने यार व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वेबसाइट पर भी दिया हुआ है। बेहतर है आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन से लिंक ज्वाइन करें और उस पर अपना क्लिप हमें भेजें। हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उस क्लिप से यार ये फ़ायदा होगा कि अहमानों तक आपकी आवाज़ पहुँचेगी और उन्हें पता चले, ठीक है, कि आप इस वक्त किस पोजीशन में और आप किन मुश्किलात से दुचार हैं। तो आपने क्या करना है, वो रिकॉर्ड करवाना है, व्हाट्सअप करना है, उसे हम उठाएंगे। इसके अलावा अब स्क्रीन पर चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि जो दरख्वास्तें दी हैं कितनी मंजूर हो चुकी हैं, कितनी और हैं और इसमें क्या चांस है अभी अप्लाई करने का, और जिन्होंने अप्लाई किया उनका जरा कि कितनी अप्लीकेशन दायर हो चुकी हैं और कितनी एक्सेप्ट हो चुकी हैं, और इसके अलावा अभी कितनी कैपिंग है कि उसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ कि अप्लाई कर दो, क्योंकि यार आपका रिकॉर्ड होम ऑफिस में आ जाएगा तो होम ऑफिस जब वेरिफिकेशन करता है तो उसे पता चल जाता है कि इतने लोगों ने अप्लाई किया है। चले अप्लीकेशन रद्द नहीं होंगी तो उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन क्या होगा कि आपकी अप्लीकेशन उसमें सबमिट होगी तो होम ऑफिस का कोई ना कोई रिकॉर्ड होगा, ठीक है। चलते हैं स्क्रीन पर, मुकम्मल समझाता हूँ आपको, मुकम्मल वीडियो देख लिया करें। फिर कहते हैं कि वीडियो तो पॉइंट होता है यार, कवर करें, ठीक है। ट्रैवल कंसल्टेंट हैं, इंफॉर्मेशन के साथ पूरी मालूमात रिसर्च के साथ आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि आप यार इतने सालों से हैं तो हमारी कोशिश है कि आपकी जितनी हमारी तरफ से हेल्प हो सकती है वो करने के लिए तैयार है। वेबसाइट को भी ज़रूर विज़िट करें, वीडियो को शेयर कर दें ताकि सब तक रसाई पहुँचे, ठीक है। आपने हमें कुछ नहीं देना, ना हम आपसे कुछ लेना चाहते हैं, हम हमारे पास जो टूटा फूटा इल्म है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं और आपकी हेल्प करना चाहते हैं जस्ट, ठीक है, सिर्फ इतना है बस भाई, ठीक है। आपको हमारे इल्म से गरज होनी चाहिए, ना कि हमारे दूसरी चीज़ों से आपको गरज होनी चाहिए। काफ़ी सारे लोग हमारे पता नहीं क्या क्या आप कहते रहते हैं लेकिन उस चीज़ से नहीं है, जस्ट ट्रैवल कंसल्टेंट हैं, ठीक है, ट्रैवल एजेंट्स हैं, ट्रैवल का बिज़नेस है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो चलते हैं स्क्रीन पर, पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो जी फ्रेंड, स्क्रीन पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेटेंशन ग्रांट ऑन अर्जेंट एमनेस्टी टू अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट लिविंग द यूके वगैरह वगैरह। आप ऐसे मोर पर पढ़ लें, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं या उर्दू में पढ़ना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर आपके लिए आसानी की उर्दू कर देता हूँ, ठीक है।
और ऐसे ताकि आप पढ़ लें। ऐसे पहले भी यार हम ऐसे वीडियो बना चुका हूँ मैं, वो भी दिखा दूँ कि कितने लोगों ने इसे देखा है और अभी तक कितने लोग फ़ायदा उठा चुके हैं। तो यहाँ पे देखें 15,343, ये जब तक ग्रीन लाइन फिल नहीं होगी तब तक आप अप्लाई करते रहो यार, ठीक है। इसमें कौन सा इतना साइंस है, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ कि होम ऑफिस के पास कुछ ना कुछ आपका रिकॉर्ड होगा, तो उसके बदले कुछ ना कुछ आपके तहफ़ात हो सकते हैं, आपको जो पेपर है ये एमनास्टी का ये मिल सकता है, ठीक है। तो मज़ीद मैं तरीका बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डेडलाइन जो है जून की बजाय 14 जुलाई दी जा रही है, 6 माह तक चलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कह भी रहे हैं कि फॉर्मेट हासिल करें, दरख्वास्त का डाटा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इन चीज़ों को यहाँ से इसे भी मज़ीद पढ़ने, अदाद शुमार में लोगों की तादाद ज़ाहिर होती है जिन्होंने मुल्क के साथ साथ हर मेंबर पार्लियामेंट के इंतहाबी हल्के में दरख्वास्त पर दस्तखत किए, ये डाटा साइट पर मौजूद तमाम दरख्वास्तों के लिए दस्तियाब है, ठीक है। और इन लोगों की सरफरिस्त नहीं है जिन्होंने दरख्वास्त पर दरख्वास्त किए हैं, सिर्फ नाम जो साइट पर शेयर किया गया है वो ही पेटेंशन के खालिक का है। अब मतलब वही है ना, जो आप होम ऑफिस में तो रिकॉर्ड तब तक आ जाएगा जब आपका नाम होगा। तो यार ऐसे साइन इन करें, ठीक है, दरख्वास्त पर दरख्वास्त करें, बतानी मुकीम गैर दस्तावेजी तारकिन वतन को फौरी अमनास्टी दें, सिर्फ बतानी शहरी या बतानी, यहाँ पे आपने करना है क्लिक, यहाँ पे अपना पूरा नाम दें, जो भी है ईमेल एड्रेस दें, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पैसे वगैरह आप जो दे रहे हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा भाई, यहाँ से ही मिलेगी आपको सब कुछ, ठीक है। ठीक है, कोई मुकम्मल अगर काम करता है बंदा, उसके सोर्सेज हैं, तो बेशक आप उससे काम करवा लें, नो इशू, अगर हो सकता है तो, ठीक है। मज़ीद यहाँ से सारा कुछ आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इससे पहले जो हमने कहा था वो भी दिखाते हैं कि कितने लोगों ने वो अब पहले कितनी दरख्वास्तें थी और आज कितनी दरख्वास्तें अभी तक जमा हुई हैं, ठीक है। तो वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखें डिस्प्लेट पर मैं आ चुका हूँ वीडियो के। तो यहाँ पे हमने एक वीडियो अपलोड की थी 2 दिन पहले, 22 घंटे हो गए हैं, ठीक है। तकरीबन ऐसे 203 लोगों ने देखा है, ठीक है। अगर ये नहीं देखी तो देख लें, यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है। इससे पहले भी हमने एक वीडियोज़ अपलोड की, उससे अच्छा खासा रिस्पांस आ रहा है। ये देखें 5,520 दरख्वास्तें थी, ठीक है। और अभी मैं थोड़ा नीचे चला जाता हूँ, यहाँ पर जो पहली वीडियो हमने अपलोड की थी यहाँ पर गालबन है ये वीडियो है, ठीक है। तो ये देखो यार, उस वक्त 5,220 थी, यानी 6 दिन पहले वाला भी है और अभी 4 दिन में भी कोई अब रिस्पॉन्स नहीं है। लेकिन आप यार इसको करो अप्लाई, ठीक है, सही है। तो ये चीज़ें हैं यार, इसमें जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे तो आपका कोई जो है फ़ायदा नहीं होगा, अप्लाई करने में ही फ़ायदा। और इसमें कौन सा इतना बड़ा यार साइंस है। वीडियो को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी ज्वाइन करो, ठीक है। mahmoodiatravel.com सामने नज़र आ रही है, इसको भी ज़रूर से ज़रूर। थैंक्स फॉर टेकिंग अपना ख्याल के दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट सा, अल्लाह हाफिज़।